दिल्ली कैपिटल्स की टीम फिर से एक बार निराश की अपने दर्शकों को और दिल्ली वालों को। जी हां, आपको बता दें कि पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने 20 ओवर में मात्र 129 रन बनाए और अपने 8 विकेट गवा दिए। श्रेयस अय्यर को छोड़ के कोई भी बल्लेबाज आज नहीं चल पाया दिल्ली कैपिटल्स का, क्योंकि आपको बता दें कि शुरुआत में पृथ्वी शॉ 11 रन पे, शिखर धवन 12 रन पे, तो ऋषभ पंत जिनसे सबसे अधिक उम्मीदें थी वो भी मात्र 5 रन बना के फिर से लॉन्ग ऑन पे छक्का मारने के वजह से आउट हो गए, क्योंकि वो छक्का मैदान के बाहर नहीं अंधेरी लगाए और फिर से कहीं ना कहीं टीम को समस्या में डाल दिया। और उसके बाद तो कोई भी बल्लेबाज 250 का भी आंकड़ा नहीं पार कर पाया। केवल श्रेयस अय्यर ने 41 गेंदों पे 43 रन बनाए और अंतिम समय में अक्षर पटेल के 13 गेंदों पे 23 रन की बदौलत कहीं ना कहीं दिल्ली सम्मानजनक 129 रन के स्कोर पे पहुंच पाया, जिसको कि आसानी से उम्मीद है कि चेस कर लेगी सनराइजर्स हैदराबाद की टीम। लेकिन आपको बता दें कि ऋषभ पंत को लेके जब आउट हुए तो मैदान में एक लड़की फूट फूट के रो रही थी, क्योंकि ऋषभ पंत उम्मीद थे कि आज दिल्ली वालों का शान से सर ऊंचा रखेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ऋषभ पंत ने फिर से एक लंबा शॉट खेल के आउट होके कहीं ना कहीं दिल्ली को समस्या में डाल दिया। क्या आपको लगता है कि ऋषभ पंत गैर जिम्मेदाराना है या नहीं, कमेंट बॉक्स में बताइए।